वेलकम टू एन कार्स। तो आज हम देखने वाले हैं अंडर 5 करोड़ के बजट में हमें कौन कौन सी अच्छी लग्जरी कार्स देखने को मिल जाती है। बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे लग्जरी कार्स के बारे में, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 15 नंबर पर है स्कोडा की सुपर, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 31,80,000 रुपीज़ से और टॉप मॉडल कीमत है 35.8 लाख और ये एक्स शोरूम प्राइस है। अब आप सोचोगे कि सुपर कैसे लग्जरी कार है, तो हाँ यार, ये भी एक लग्जरी सेगमेंट में ही आती है। स्कोडा ने भी इसे बहुत लग्जरी फीचर दिए। फिर उसके बाद और एक लग्जरी कार जिसको बहुत सारे लोग लग्जरी नहीं माफिया समझते हैं, जिसका नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग स्टार्ट होती है 33.43 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 51.44 लाख रुपीज़। तो यार, अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि फॉर्च्यूनर लग्जरी नहीं है, फॉर्च्यूनर में फीचर्स वगैरह नहीं आते, तो मैंने इस लिस्ट को ऐसा बनाया है, मतलब एक अच्छे प्राइसिंग में और एक लग्जरी सेगमेंट जैसी कार हमें इस लिस्ट में देखने को मिलेंगी, तो टोयोटा फॉर्च्यूनर भी इस लिस्ट में आती है। फिर उसके बाद फॉर्च्यूनर के बाद है लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 56.50 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 73.50 लाख और ये एक्स शोरूम प्राइस है। डिस्कवरी स्पोर्ट ना एक बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी हमें देखने को मिल जाती है, मतलब ये थोड़ी फार ऑफ रोडिंग भी कर सकती है और इसमें लग्जरी फीचर्स भी हमें बहुत देखने को मिल जाएंगे। इसका अगर आप इंटीरियर देखो ना, इतना प्यारा और इतना लग्जरी इंटीरियर लगता है ना, ऐसा लगता ही नहीं कि ये गाड़ी भी ऑफ रोडिंग कर सकती है। इस गाड़ी को लेने जाने का मन भी नहीं करेगा ऑफ रोडिंग करने में, पर ये गाड़ी बहुत कैपेबल हमें देखने को मिल जाती है। अभी 12th नंबर पर है मर्सिडीज बेंज GLC, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 57.90 लाख रुपीज से और टॉप मॉडल की कीमत है 77.90 लाख एक्स शोरूम न्यू दिल्ली। अगर मर्सिडीज AMG की बात करें तो ये थोड़ी फार ऑफ रोडिंग भी कर लेती है, मतलब ऑफ रोडिंग मतलब थोड़े से कच्चे रास्तों पर भी आप इसे ले जा सकते हैं और इसमें लग्जरी फीचर्स हमें बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद 11th नंबर पर है वन ऑफ माय फेवरेट ऑडी Q5, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 55.71 लाख रुपीज से और टॉप मॉडल की कीमत है 73.76 लाख एक्स शोरूम। और आप बोल रहे होंगे कि ये बता रहा है कि 5 करोड़ से नीचे वाली, तो आगे भी बहुत सारी कार्स आने वाली है, तो उसके लिए रुकना। ऑडी का अगर बात करें तो ऑडी भी एक बहुत अच्छी कंपनी हमें देखने को मिल जाती है, बहुत अच्छी गाड़ियाँ प्रोवाइड करती है। अगर आपका बजट 80 लाख के आसपास हो तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद 10th नंबर पर है, उसकी ही राइवल कह सकते हो आप, BMW X5, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 72.90 लाख रुपीज से और टॉप मॉडल की कीमत है 1.04 करोड़ एक्स शोरूम। BMW X5 भी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग कर लेती है और अच्छे रोड्स पे तो बहुत चिपक के चलती है, मतलब रोड से ऐसा टच होके चलती है पूरा, इतनी बढ़िया है। ग्राउंड क्लियरेंस भी हमें इसमें बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है और इसमें हमें एक बहुत अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि है एयर सस्पेंशन का। फिर उसके बाद 9th नंबर पर है ऑडी Q7, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 77.32 लाख रुपीज से और टॉप मॉडल की कीमत है 1.14 करोड़ एक्स शोरूम। अगर Q7 की बात करें तो ये एक अपर सेगमेंट हो जाता है यार BMW X5 और ऑडी Q5 से, और ये भी एक बहुत लग्जरी कार हमें देखने को मिल जाती है। हालांकि थोड़ी महंगी है, पर इसमें फीचर्स भी बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं, बस बाहर से थोड़ी लुक आउटडेटेड है। फिर उसके बाद है हर एक छोटे बच्चे का ड्रीम लैम्बोर्गिनी, और इसकी है लैम्बोर्गिनी उरुस एस, जिसकी प्राइसिंग ही एक वेरिएंट आता है इसमें और इसकी प्राइसिंग है 4.18 करोड़ रुपीस एक्स शोरूम। अगर ये गाड़ी आपको लेनी है ना, तो मेरे हिसाब से आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपीस स्पेयर होनी चाहिए, मतलब इतनी ये गाड़ी बढ़िया है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बस मैं एक बता रहा हूँ आपको कि आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपीस स्पेयर ही होने चाहिए, क्योंकि यार इसका मेंटेनेंस बहुत हायर साइड जाता है। फिर उसके बाद है टोयोटा की कंपनी लेक्सस, जिसकी कार है लेक्सस RX, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 95.80 लाख रुपीज़ से और टॉप मॉडल की कीमत है 1.18 करोड़ एक्स शोरूम। लेक्सस की अगर बात करूँ ना, तो बहुत रिलायबल हमें ये गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है। इस कंपनी की सारी गाड़ियाँ रिलायबल है, क्योंकि ऑब्वियस यार टोयोटा की कंपनी है तो रिलायबल होगी, और इनकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। नई नई टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बढ़िया दी गई है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए। फिर उसके बाद 6th नंबर पर है मर्सिडीज बेंज AMG SL55 रोडस्टार, जिसकी प्राइसिंग है 2.35 करोड़, और इसमें एक ही वेरिएंट आता है तो 2.35 करोड़ इसकी प्राइसिंग है एक्स शोरूम। और ये एक कन्वर्टेबल कार हमें देखने को मिल जाती है और ये बहुत बढ़िया है यार, भागने में ये बहुत हमें अच्छी मिल जाती है। अगर आपको प्रैक्टिकल कार नहीं चाहिए, आपको बस शौक शौक के लिए कार चाहिए ना एक, तो आप ये ले सकते हो। फिर उसके बाद 5th नंबर पर है वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर कार मर्सिडीज बेंज G क्लास, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है बेस वेरिएंट की 2.55 करोड़ और टॉप मॉडल की कीमत है 4.00 करोड़ और ये एक्स शोरूम प्राइस है।
यार कौन आदमी नहीं चाहता उसके पास मर्सिडीज की जी क्लास हो। मतलब ये एक बहुत अच्छी गाड़ी है यार, डिफेंडर के राइवल है, और इसका मतलब अलग ही स्टांस है, अलग ही इसका टोरा मिल जाता है हमें। इसमें इसकी लाइटिंग, इसके फीचर्स, इसकी लुक्स, इसकी फ्रंट की दो लाइट्स, इनका मैं बहुत दीवाना हूँ यार। मतलब बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं इस गाड़ी का, मर्सिडीज़ की ये एक ही गाड़ी है यार जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब बाकी की गाड़ियाँ मैं नहीं कह रहा बुरी है, पर ये गाड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है मर्सिडीज़ AMG की। फिर उसके बाद है दुबई में बहुत ज़्यादा चलने वाली और वन ऑफ माई ड्रीम SUV टोयोटा लैंड क्रूजर, जिसकी प्राइसिंग है 2.10 करोड़, और टॉप मॉडल इसका मतलब 3 करोड़ तक हमें देखने को मिल जाता है, 3 या 3.5 करोड़ एक्स शोरूम। और ये बहुत बढ़िया गाड़ी हमें देखने को मिल जाती है यार। मतलब आप इसको कहाँ पर भी लेके जाओ यार, ये मना नहीं करेगी, इतनी बढ़िया है यार, ये सोचने भी नहीं देती है यार, बस बोलती है उतारो मुझे वहाँ पर। इसका GR स्पोर्ट वेरियंट ये भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। मतलब आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका 3 करोड़ का बजट है तो। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर है लैंड रोवर रेंज रोवर, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 2.39 करोड़ रुपए से, और टॉप मॉडल कीमत है 4.17 करोड़ एक्स शोरूम। ये गाड़ी जब से मार्केट में आई है ना, तब से अलग ही क्रेज है लोगों में इसका ब्लैक कलर, जो बहुत अच्छा लगता है यार। ये फुल लग्जरी कार हमें देखने को मिल जाती है, इतने सारे फीचर दिए हुए हैं ना इसमें लैंड रोवर ने, बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर है। और लैंड रोवर की रिलायबिलिटी तो आपको पता है बहुत बढ़िया होती है, इसकी लुक्स वगैरह बहुत अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। और फीचर्स का तो जवाब नहीं यार, बहुत सारे फीचर हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं, मतलब एक छोटी रोल्स रॉयस ही कह सकते हो आप इसको, इतने बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं। अगर आपका बजट 5 करोड़ के नीचे नीचे है ना, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर है BMW M4 कॉम्पिटिशन, जिसकी प्राइसिंग है 1.53 करोड़, और ये एक्स शोरूम हमें देखने को मिल जाती है। अगर आपको बस ड्राइविंग ही चाहिए, आप बस गाड़ी चलाते हो और आप थोड़े फास्ट चलाने के शौकीन हो, वैसे चलानी तो नहीं चाहिए पर आप बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हो, रैश चलाते हो, तो यार ये गाड़ी आपके लिए बनी है। इतनी बढ़िया हमें देखने को मिल जाती है ना, इसका इंजन भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, और ये जो भक्ति है ना वो बहुत अच्छी है, पैडल शिफ्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं इसमें, और ये रोर करती है जो स्पीड में चलती है ना, इसका जवाब नहीं। तो अगर आपका बजट 2 करोड़ से अंदर है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर पर है लैंड रोवर डिफेंडर, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 76.57 लाख रुपए से, और टॉप मॉडल कीमत है 2.30 करोड़। इसका भी LC जैसा ही सीन है यार, इसको सोचना ही नहीं पड़ता यार, ये प्योरली ऑफ रोडर हमें देखने को मिल जाती है। मतलब इसमें लग्जरी भी मिल जाती है पर एक प्योर ऑफ रोडर जिसे कहते हैं, आप इसकी एड देख के ही समझ सकते हो कि ये कितनी खतरनाक तरीके से ऑफ रोडिंग कर रही है। और ये कंप्यूटराइज नहीं है, ये रियल लैंड रोवर ने टेस्ट किया था। मतलब जहाँ पर भी आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो, मतलब आप माउंटेन्स पे लेके जाओ, गंदा कैसा भी रोड हो, आप फार्थ में इसको लेके जाओ, कैसा भी रोड हो, ये गाड़ी चल जाएगी, इतनी बढ़िया हमें देखने को मिल जाती है। 3 से 4 करोड़ के बजट के अंदर आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ये इतनी बढ़िया हमें देखने को मिल जाती है। तो यही था यार आज का कुछ वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।